अनुज से दिल लगाने की ये सजा है अनुपमा के लिए। कब तक जिल्लत के लड्डू खिलाएगा अनुपमा को ये गूंगा गुड्डा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो है श्रुति ने एके को डेडिकेट किया। अब ये गाना डेडिकेट तो किया मगर ये गाना अनुज और अनुपमा की यादों के साथ जुड़ा हुआ है। ये वो गाना था, ये वो परफॉर्मेंस थी जिसने आखिरी हथौड़ा मारा आज के एपिसोड में अनुपमा के दिल के ऊपर। उससे पहले आध्या ने तो बहुत सारे मारे, इसकी पहले बात करते हैं क्योंकि ये बड़ा ही जबरदस्त वाला हथौड़ा था। और अनुपमा जिस तरह रो रही थी, जिस तरह वो अपने दिल को संभाल रही थी, उससे यही लगा मुझे कि ये जो 26 साल वाला प्यार था अनुज का, ये अनुपमा के लिए सजा ही बन गया। ये सीक्रेट ही रहता, साइलेंट ही रहता, अनुज भी खुश रहता, अनुपमा भी आज खुश ही होती। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कई बार ऐसी चीजें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है जब ऐसी सिचुएशन सामने आती है। हम बहुत समझदार बनते हैं, हम बहुत दूरदर्शी बनते हैं, हम बहुत सोच समझ के फैसले लेते हैं, मगर वो फैसले कब उल्टे पड़ जाए ये पता नहीं चलता है। गलतियां किसी की भी हो, फैसले जब उल्टे पड़ते हैं दुख सभी को होता है जो सेंसिटिव होते हैं। और यहां पे जरूरी होता है स्टैंड लेना, खड़े होना अपनों के लिए, अपने प्यार के लिए खड़े होना, उस 26 साल के प्यार के लिए खड़े होना जिसको आपने पूजा, जिसको आपने सराहा, जिसको आपने हमेशा सर आंखों पे रखा। आज सबके सामने अनुपमा की बेइज्जती हो रही थी, आध्या बोल रही थी, बोले ही जा रही थी, मगर क्या कर रहा था अनुज सिवाय अपने ऐसे एक्सप्रेशन देने के कि मैं बोलना चाहता हूं मगर बोल नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं बोल पा रहे? जब इतना सब कुछ हो जाएगा तब बोलोगे, तब बोलोगे, तब हम भी ताली बजा लेंगे, भाई बहुत अच्छा बोला, मगर आज तो ताली बजाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। आपका प्यार, आपका इजहार, उसमें फंस गई अनुपमा। अनुपमा ने फिर भी उस प्यार को यहां तक पहुंचाया, शादी की आपसे, आपके कहने पे, आपके अरमानों पे एक और बच्चे को अडॉप्ट तक कर लिया। आज वही बच्चा अनुपमा के सर पे छेद कर रहा है और आप सिर्फ एक गूंगा गुड्डा बन के वहां पे खड़े हो जिसके मुंह में जुबान ही नहीं है, जो सिर्फ ऐसे बात कर रहा है जैसे एक हकला इंसान खड़ा होता है। सॉरी टू से, अनुज के फैंस को बुरा लगेगा मगर आज का स्टेट ऑफ माइंड यही कह रहा है। श्रुति जो हर मुमकिन कोशिश कर रही है अनुपमा को और अनुज को तोड़ने की, यही लग रहा है क्योंकि उसके एफर्ट्स इसी तरफ जा रहे हैं। उसने वही गाने पे परफॉर्म किया, तो क्या श्रुति ये जानती है कि ये गाना अनुज और अनुपमा का है? क्या है इसके पीछे? वो तो खैर अलग स्टोरी है, उस पे तो हम पढ़ते ही नहीं है, मगर वो गाना जो गाया गया उसमें अनुपमा के जो दिल के तार छेड़े गए, तोड़े गए, अनुज के भी उसमें दिल के तार छेड़े, टूटे, सब कुछ हुआ, मगर हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। अनुज तो परफॉर्म कर रहा था, परफॉर्मर बना हुआ था, अपनी बेटी के लिए वो डांस कर रहा था, अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर रहा था, मगर अनुपमा के लिए क्या? लोग कहते हैं अनुपमा के लिए अनुज ने बहुत कुछ किया है, किया होगा, वो तब किया है जब वो कंफर्ट जोन था। आज जरूरत है अनुपमा को कि उसके लिए कोई स्टैंड ले, क्योंकि वो खुद के लिए क्या बोले, बोल चुकी है। क्यों वहां पे अनुज चुप रहा? क्यों नहीं उसने आध्या को चुप करवाया? क्यों नहीं आध्या को उसने सबके सामने ये कह के चुप करवाया? क्यों नहीं उसकी आवाज ऊपर आई कि इन बातों का इस पार्टी में कोई मतलब नहीं है बेटा? क्यों एक बेटी की आवाज हमेशा बाप से आगे निकल जाती है? पार्टी हो, अकेले हो, घर हो, कोई 3 लोग हो, 10 लोग हो, 15 लोग हो, 20 लोग हो, हमेशा बेटी ही आगे जाती है। क्यों एक पिता पीछे रह जाता है? तो जब ये सारी चीजें आती है तो यही समझ में आता है कि वाकई में अनुपमा के लिए ये सजा बना। अब तो दिल करता है कि श्रुति और अनुज की शादी हो जाए और फिर ये लड़की देखे कि क्या होती है असली मां।
तो ये जो आज का चैप्टर था, ये जो गाना था तुमसे दिल लगाने की सजा है, मेरे तो गाने को भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि ये वाक्य में एक सजा के तौर पे सामने आया है। मतलब अनुज के पार्ट को भी ले लो, अगर अनुज में इतनी पेशेंस रहे अपनी सब चीजों को हैंडल करने की, सब चीजों को, तो पेशेंस और रखता 26 साल से 50 साल तक अनुपमा को प्यार करता रहता, कौन कहां पे पूछने वाला था, तो रखता। तो ये जब चीजें हम देखते हैं, एक ऐसे कॉवर्ड इंसान को देखते हैं, डरपोक इंसान को देखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक मूक दर्शक बन के, एक एक्सप्रेशन देने की मशीन बन के रह गया है और कुछ नहीं, ना उसके मुंह में जुबान है ना ही उसका दिमाग है। जब बोलेगा तब बोलेगा, तब हम सुन लेंगे, मगर आज की तारीख में ये स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही खराब है अनुज के लिए। तो बाकी देखते हैं, आप लोगों को भी बुरा लगा होगा क्योंकि ये एक्चुअली रुलाने वाला एपिसोड था। कितनी सजा मिलेगी एक मां को सिर्फ एक बच्चे को अडॉप्ट करने की, एक बच्चे को नई जिंदगी देने की। चलिए आप लोग भी बताइएगा कि आपका क्या रिएक्शन है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।